गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबंध एवं उद्यमिता. सब्जेक्ट 4 EL 310. इसमें हम देखेंगे सेटिंग अप SSI. SSI मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना. इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे. रजिस्ट्रेशन ऑफ SSI, अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय RICO, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मशीन्स. करंट सिनेरियो में, वर्तमान समय में लघु उद्योग क्षेत्र में जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो एरिया है, इनके माध्यम से जो यूनिट एस्टेब्लिश की जा रही हैं, जो इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, उनको सरकार द्वारा स्पेशली फैसिलिटीज और हेल्प दी जा रही है. अगर हम बड़े उद्योगों की बात करें, बृहद स्तर पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, उसके कंपैरिजन में जो ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, नई खोली जाने वाली जो हमारी लघु उद्योग इकाइयां हैं, इनको सरकार द्वारा स्पेशल फैसिलिटीज और हेल्प दी जा रही है. अगर इन इकाइयों की बात करें, इन यूनिट्स की बात करें, तो उनके एस्टैब्लिशमेंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस किस में होते हैं? भूमि, लैंड में, भवन, बिल्डिंग, प्लांट एवं मशीनरी, उसके संचालन में जो व्यय होता है, और जो स्थायी परिसंपत्ति है उन पर व्यय, कोई एक आकस्मिक सडन वे आ जाए, कार्यशील और इसको रनिंग कंडीशन में रखने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है. अगर हम श्रेणी निर्धारण की बात करें कि कोई पर्टिकुलर उद्योग किस श्रेणी में आता है, तो हम उसके केवल प्लांट एवं मशीनरी पे जो इन्वेस्ट किया गया है उसी को कंसीडर करते हैं. जो अन्य मदों पे, अन्य किसी चीज़ पे, जो जैसे कार्यशील, आकस्मिक, ये जो खर्चे होते हैं, इसको हम श्रेणी निर्धारण में कंसीडर नहीं करते. यानी किसी उद्योग को स्थापित करने में उसके प्लांट और मशीनरी पे जो खर्च हुआ, वही उसका जो उसका मूल निवेश माना जाता है, वही निर्धारित करता है कि वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या बृहद स्तर इंडस्ट्री. सबसे पहले हम समझते हैं लघु उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया के चरण, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप SSI. कोई भी उद्योग स्थापित करने से में ईच स्टेप्स को हमें एक प्लान वे में एक इनोवेटिव तरीके से स्टार्ट करना चाहिए. योजनाबद्ध विचारधारा की सृजनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए. फ्यूचर में उसमें कोई मिस्टेक आए या कोई भूल हो जाए, उससे बचने के लिए आवश्यकता है कि स्थापना उसकी एस्टेब्लिशमेंट से पहले ही और उसके दौरान आने वाली सभी स्टेप्स की एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो. भविष्य में भूल से बचने के लिए आवश्यक है कि उपक्रम प्रारंभ करने से पहले एवं उपक्रम की स्थापना के दौरान एवं उपक्रम स्थापित हो जाने के पश्चात उठाए जाने वाले चरणों की विस्तृत जानकारी हो तथा इनका पुनर्निरीक्षण उद्योग विशेष के संदर्भ में कर लिया जाए और उसके बारे में ढंग से, एक विशेष उद्योग के बारे में जो जानकारी है, ढंग से डिटेल में समझ ली जाए.
तो हम इसमें स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले पुट टुगेदर अ बिजनेस प्लान। सेकेंड स्टेप है रीच आउट टू अ एडवाइजर। थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द लीगल स्ट्रक्चर एंड रजिस्टर द बिजनेस। फोर्थ है गेट अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम IRS। स्टेप फिफ्थ है रजिस्टर विद स्टेट एंड लोकल टैक्स बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट डिपार्टमेंट। स्टेप सिक्स क्रिएट अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। एंड स्टेप सेवन रिवेल्यूएट योर बिजनेस प्लान वन मोर टाइम एंड प्रॉफिट। अब हम स्टेप फर्स्ट को समझते हैं पुट टुगेदर बिजनेस प्लान। जो हमारा एक हम जिस चीज का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जो हमारा बिजनेस का जो प्लान है उसे हम एक बार एक तरीके से उसे एक्सप्लेन करें, समझें। देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट विद गाइड ऑन हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस प्लान। What exactly is business plan? A business plan is essentially a detailed roadmap on how you plan to achieve defined goal. हमें आसपास के समाचार पत्रिकाओं से, नेट से, विभिन्न माध्यमों से हमें कई बिजनेस प्लान मिलते हैं। उसमें से हमें एक किसी बिजनेस प्लान का जो हमें जिस पे हम अपना लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उसका एक roadmap, यानी कि एक गाइडलाइन कि किस तरीके से हम बिजनेस स्थापित करेंगे, उसमें क्या होगा, डेवलप होगा, वो हमें एक तैयार करना है। और द लेवल ऑफ डिटेल इन द प्लान वेरिज ग्रेटली डिपेंड ऑन द एंटरप्रेन्योर। और प्लान में कितनी डिटेल डालनी है ये उद्योग स्थापित करने वाले पर्सन पर डिपेंड करता है। और जो उद्योग स्थापित किया जा रहा है उसकी उस पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति क्या, उसकी नेचर क्या है, उसके हिसाब से उसकी विस्तृतता डिपेंड करती है। किसी प्लान में हमें उसके प्रोजेक्शन, इंडस्ट्री और फाइनेंशियल फोरकास्ट को एलोबरेट करना पड़ता है, और कहीं दूसरे प्लान हम केवल सिंपल रख सकते हैं, बस उसमें हमें गोल, लोकेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बतानी होती है। इससे रिगार्डलेस ऑफ दिस के ये प्लान डिटेल है और या डिटेल है या लेस एलोबरेट है, हमें प्लान हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए और हमें बुलेट करना होगा। उसकी फर्स्ट स्टेप है जब हम उस पर मनी स्पेंड करने से पहले हमें उसे ढंग से इवेल्युएट करना होगा फॉर वन और टू ईयर। और जो बिगनिंग होती है ये बात हमें ध्यान रखना होगा, शुरुआत जितनी हमने सोची होती है उस एंटीसिपेट उससे थोड़ी ज़्यादा आने की चांसेस होते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें हमारा बिजनेस प्लान तैयार करना है। रीड आउट टू एन एडवाइजर। हम जो प्लान जिस उद्योग हमें स्थापित करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो हमारे कोच हैं, बिजनेस कोच, उनको हमें एज ए क्लाइंट और कनेक्ट होना चाहिए, जो कि हमें उस इंडस्ट्री के बारे में बताएं, एडवाइजर से उसके फीडबैक लेने चाहिए और न्यू आइडियाज के बारे में जानना चाहिए। थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द लीगल स्ट्रक्चर एंड रजिस्टर द बिजनेस। बहुत से बिजनेस की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं और सबके अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, सबके अपने लाभ हैं और हानि हैं, विशेषताएं हैं, सबकी कमी है। तो ये हमें डिसीजन लेना है
कि किस प्लान पे, किस स्ट्रक्चर पे वर्क करना है। गेट अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम IRS। जब एक बार बिजनेस का प्लान और एंटिटी इज सेट हो जाती है, उसके बाद हम टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर IRS की से लेना होता है, IRS की वेबसाइट से। रजिस्टर फिफ्थ रजिस्टर विद स्टेट एंड लोकल टैक्स बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट डिपार्टमेंट। जो अटर्नी जो हमारी इंडस्ट्री है, ये उस पर और उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसे संबंधित डिपार्टमेंट से जान लेना चाहिए। सिक्स स्टेप है हमारी, क्रिएट अ बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। जब एक बार हमने बिजनेस के लिए रजिस्टर कर लिया और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लिया है और बिजनेस लाइसेंस, तो एक बिजनेस स्टार्ट होने के लिए तैयार है। और सबसे पहले इसके लिए तैयार है कि इसका एक बैंक खाता, अब बिजनेस बैंक अकाउंट खोला जाए। स्टेप 7 है, रिवेल्युएट योर बिजनेस प्लान फॉर मोर टाइम एंड प्रॉफिट। और जो हमारा बिजनेस प्लान है, उसे हमें और एक बार प्रॉफिट और के बारे में एक बार फिर डिटेल में उसे इवेलुएट करना चाहिए। द फर्स्ट ईयर इज टिपिकली फॉर मोर डिफिकल्ट देन एंटरप्रेन्योर एंटर्स एंटिसिपेट। बिजनेस चालू करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने से पहले, कि जो फर्स्ट ईयर है किसी भी इंडस्ट्री का, वो मोर डिफिकल्ट होता है जितना हम एंटिसिपेट करते हैं। बट इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देयर इज अ बेनिफिट एज ओनर कैन बी वेरी रिवार्डिंग। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि सरकार की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक अधिक सहयोग प्रदान किया जाता है, तो यह इस इंडस्ट्री का बेनिफिट भी है। तो इस तरीके से ये कुछ स्टेप्स हैं एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के। थैंक यू। इसके आगे का और रजिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू।